आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 मिडनाइट विजिटर के कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद आपके इस चैप्टर में 95% तो तय हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछ रहा है दैट हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। सो आपको द मिडनाइट विजिटर के ऑथर का नाम बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछा है दैट डैश डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एज यू विल। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछ रहा है दैट एज्यूबल वॉज अ डैश फेलो। सो अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। मैंने इस पूरी स्टोरी को बस 30 मिनट्स और 20 मिनट्स ऐसे ही ख़त्म किया है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है फैट एंड स्लोपी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछा है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीजली। सो मैंने चैप्टर ये पढ़ाया था तब मैंने लाइन बाय लाइन सारी वर्ड्स जो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी बताए थे। तो आप पहले चैप्टर जाकर पढ़ लीजिए तब ये क्विज़ को अटेंड करिएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेक अ साउंड व्हेन यू कांट ब्रीद ईजीली। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज अज्यूबल स्टेइंग। तो अज्यूबल कहाँ रह रहा था। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच होटल में। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये पूछ रहा है विच फ्लोर वॉज ही स्टेइंग एट। सो इसका करेक्ट आंसर है टॉप फ्लोर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछ रहा है व्हाट लैंग्वेज डिड अज्यूबल स्पीक। अज्यूबल किस लैंग्वेज में बात करता था। तो अज्यूबल ए एंड बी बोथ लैंग्वेजेस में बात कर सकता था, जर्मन एंड फ्रेंच। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे भी देख सकते हैं दैट वेयर डिड ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया था। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड ही मूव टू पेरिस, वो पेरिस कब गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 20 ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपसे पूछ रहा है दैट, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है दैट ही हैड नेवर लॉस्ट हीज डैश एजेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिकन एजेंट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पिनैच। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पाइन। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछ रहा है दैट हु इज़ अ फ्लोएर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक राइटर है वो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये पूछ रहा है दैट हाउ डिड फ्लोएर फील अबाउट मीटिंग अज्यूबल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, अब वो क्यों डिसअपॉइंटेड था ये तो आपको स्टोरी पढ़कर ही पता चलेगा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही नहीं हूँ, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट वाज फ्लोअर्स फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज साइंट ऑफ अ मैन विद ऑटोमेटिक पिस्टॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट इज डिफरेंट अबाउट अज्यूबल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सारे जो ऊपर में आपको पॉइंट्स दिए हैं। अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिलेंडर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दैट वेयर डिड अज्यूबल थिंक मैक्स वॉज। सो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे।
सो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट डिड मैक्स वांट, मैक्स को क्या चाहिए था. सो मैक्स को वो रिपोर्ट चाहिए था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है दैट हाउ डिड मैक्स क्लेम टू हैव एंटर्ड. सो मैक्स वो क्या कहा कि वह कैसे एंटर्ड हुआ है. सो इसका करेक्ट आंसर है अ पास की. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू अज्यूबल डिड मैक्स एंटर. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालकनी के थ्रू. और मैं आपको बता दूँ इस टोटल आपके वीडियो में 30 क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 21 आपसे ये पूछ रहा है वेयर डिड मैक्स एक्चुअली एंटर फ्रॉम. सो मैक्स एक्चुअली एंटर किया था डोर से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 दैट अज्यूबल वॉज गोइंग टू राइज द इशू ऑफ बालकनी विथ वॉट. आपको ये विथ वाला डैश भरना है. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाई डिड मैक्स एंटर हिज रूम. सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, आप ये सारे पहले ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके, तभी प्ले करके आंसर को देखिएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपसे ये पूछ रहा है दैट व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड. मैक्स के हाथ में क्या था. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ अ पिस्टल. अब अपना नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 आपसे ये पूछ रहा है दैट हुज नॉकिंग डिड अज्यूबल क्लेम इट टू बी. सो इसका करेक्ट आंसर है उसने क्लेम किया था कि वो पुलिस नॉक कर रही है, जबकि वो पुलिस नॉक नहीं कर रही थी, वो एक सर्वेंट नॉक कर रहा था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 आपसे ये पूछ रहा है दैट हु वाज एक्चुअली नॉकिंग ऑन द डोर. सो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, वेटर. ठीक है, हाँ नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, हु जंप्ड ऑफ द विंडो बिलीविंग देयर वाज अ बालकनी. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स, क्योंकि उसे जो उसका जो दोस्त जिससे उसे रिपोर्ट लेना था अज्यूबल से, उसने कहा कि वहाँ विंडो के बाहर एक बालकनी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ विंडो के बाहर कुछ नहीं था, और विंडो के बाहर अगर वो कूदता तो सीधा रोड पे गिरता. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वॉज देयर अ बालकनी. सो इससे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ नहीं, वहाँ पे कोई बालकनी नहीं था. ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है दैट देयर इज़ नो मेंशन ऑफ बालकनी, बट ऐसा तो नहीं है कि वहाँ मेंशन ही नहीं था बालकनी का तो मेंशन था ही. अज्यूबल ने तो उससे मैक्स को कहा है कि वहाँ बालकनी है, तो मेंशन तो हुआ लेकिन वहाँ था नहीं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपसे ये पूछ रहा है हाउ वुड यू डिस्क्राइब अज्यूबल. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है दैट हाउ डिड अज्यूबल मेड मैक्स बिलीव देयर वॉज अ बालकनी. सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विथ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.